हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 6। इसका फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में, ये अपना सेकंड पार्ट है। और यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल पावर एक्स प्लस एक्स होल पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसको अलग अलग कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा यू पार्ट है, ये हमारा वी पार्ट है। यू इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल पावर एक्स एंड वी इक्वल टू एक्स की होल पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो पहले हम यू को सॉल्व करेंगे, फिर वी को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा पूरा फंक्शन वाई के इक्वल में है, वाई इक्वल टू यू प्लस भी हम इसे लिख सकते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव किया जाए, इसका अवकलन किया जाएगा, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स की रिस्पेक्ट में। ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ये सिचुएशन बन रही है। अब यदि डी यू अपॉन डी एक्स चाहिए तो इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा, और डी वी अपॉन डी एक्स चाहिए तो इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो पहले ये वाला यू इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल पावर एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग हम दोनों तरफ ले लेते हैं, और यदि लॉग लिया जाएगा, लॉग यू लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल पावर एक्स आ गया जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन, तो वन अपॉन यू, और यू का डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर दो टर्म हो गई, दो फंक्शन हो गए, एक एक्स हो गया, एक ये हो गया। एक्स को छोड़कर इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग एक्स को, ये पूरा एक्स मानेंगे, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन होगा वन प्लस माइनस वन आगे आएगा और एक्स स्क्वायर नीचे जाए, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। ठीक है, आप अलग से करके देखेंगे इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो वन हो जाता है। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, पावर हाफ, पावर जो माइनस नीचे है प्लस में, वो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और हमारा जो ऊपर माइनस की पावर रहेगी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का वन आगे आएगा, पावर आगे आती है और एक प्लस हो जाता है। एक अगर इसमें माइनस कम किया जाएगा, एक पावर कम कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस का टू, और माइनस का टू नीचे आके स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को छोड़ दिया, फिर इसका डिफरेंशिएशन वन ही होगा, तो वन का इंटू कर देंगे, वही का वही सेम रहेगा। इसको थोड़ा तरीके से लिख लेंगे, वन अपॉन यू छोड़ दे हो, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू, इधर इंटू में पहुंच जाएगा, इस पूरे के इंटू में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एक्स अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और इनटू में क्या क्या चलेगा, ये पूरा का पूरा इनटू में चलेगा, वन माइनस प्लस माइनस माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स वन अपॉन एक्स ये ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो हमारा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, अपॉन का वन ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, इनटू में पहुंच जाएगा, एलसीएम जो नीचे का था एक्स, और वो ऊपर पहुंच जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ यही कंडीशन यहाँ पे बनेगी,
एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये सेम कंडीशन ऐसी गेंस। u चाहो तो u की वैल्यू हम यहां पे रख सकते हैं, ठीक है। u की वैल्यू रखेंगे x प्लस वन अपॉन x होल पावर x ब्रैकेट x स्क्वायर से ही x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x स्क्वायर प्लस वन प्लस log x प्लस वन अपॉन x। फाइनल हमारी u की डेरिवेटिव जो थी वो ये आ गई, u का डेरिवेटिव आ गया है, ठीक है। अब हमें v का डेरिवेटिव निकालना है, इस v का डेरिवेटिव निकालना है। v इक्वल टू एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना है। ये हमारा लॉग v बनेगा और ये लॉग x जो होल पावर है वो लॉग के आगे आ जाएगी, वन प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो वन अपॉन v लॉग v का डेरिवेटिव वन अपॉन v, और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। इसका वही ये डबल टर्म है, इसको छोड़ा, इसका अपवलन वन अपॉन x प्लस log x को छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो वन का डेरिवेटिव जीरो, वन का डेरिवेटिव जीरो प्लस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो यहां पे कंडीशन बनी थी वही। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और इंटू कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, और यहां से क्या बच्चा प्लस माइनस, माइनस माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये डी वी कहा, ये वाली जो v है उस तरफ पहुंचा दो इनटू में, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू v, v की वैल्यू ये पूरी की पूरी x वन प्लस वन अपॉन एक्स होल पावर, x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कर दो वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स पीछे रहेगा। ये हमारी v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx की वैल्यू मिल गई है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये दोनों को उठा के इसमें रख दो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और जगह मेरे पास बची नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइनल आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है, आप चाहो तो यहां से देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, log x की पावर x प्लस x की पावर log x, सेम कंडीशन यहां पे भी यही रहेगी। ये हमारा फंक्शन है, वो y के इक्वल में है, तो y इक्वल टू u प्लस v, जिसमें हम u इक्वल टू मान लेंगे log x ऑल पावर x को, और v मानेंगे हम x की पावर log x को, ठीक है। और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है dy अपॉन dx, du अपॉन dx, dv अपॉन dx, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ये मिलेगा dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, दोनों की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लिया, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा, लॉग यू, लॉग यू और लॉग लॉग एक्स पावर आगे आ जाएगी, और इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। इसका लॉग यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग यू वन अपॉन यू, और यू का डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये डबल फंक्शन, एक फंक्शन ये है और एक पूरा फंक्शन ये है,
एक्स को छोड़कर इस पूरे का डिफरेंशिएशन करोगे, इस लॉग को लॉग समझो और इस लॉग एक्स को एक्स समझेंगे, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और x की जगह क्या है log x है, और log x का फिर से डिफरेंशिएशन 1/x रहेगा, प्लस log log x को छोड़ दिया और x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा। तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू, ये जो डिवाइड में है यहाँ जाके इनटू में आ जाएगा, x से x कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा 1/log x प्लस लॉग लॉग एक्स। यू की वैल्यू जो थी वही रख दो, लॉग एक्स होल पावर एक्स, और इसको भी सेम लिख दो, लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स। ये डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास। इसके बाद लॉग एक्स एलसीएम ले लेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये सेम रहेगा लॉग एक्स की होल पावर एक्स, और यहाँ पे ये जो लॉग एक्स है इसको हम एलसीएम अगर लिए जाए तो ऊपर तो 1 ही रहेगा और इस लॉग एक्स का इनटू इसमें होगा, ठीक है। तो लॉग लॉग एक्स इनटू लॉग एक्स, और ये लॉग एक्स के ऊपर पावर कितनी है 1 है, इसके नीचे लेके आएंगे तो लॉग एक्स माइनस 1 हो जाएगा, लॉग एक्स पावर एक्स माइनस 1, ये नीचे से यहाँ ऊपर आ गया, ठीक है। तो बाकी ऊपर का सेम टू सेम लिख देंगे, 1 प्लस लॉग लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, ये डी यू अपॉन डी एक्स की फुल वैल्यू हो गई। अब जो हमारे पास वी है, वी एक्स की पावर लॉग एक्स, यहां पे भी हमें यही काम करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, देन वी ऑब्टेन लॉग वी और लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स। यहाँ क्या सिचुएशन बनेगी देखते हैं, लॉग वी इक्वल टू, ये लॉग जो पावर में है वो आगे आ जाएगा और ये पहले का लॉग है और ये एक्स है, लॉग एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पे ये काम मत करना कि इसको पावर को आगे लेके आ जाओ, क्योंकि x के ऊपर पावर नहीं है, ये पूरे के ऊपर पावर है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log v का 1/v और v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx, फिर ये पूरा एक एक्स फंक्शन समझेंगे, उसके ऊपर हमारा पावर है, एक वेरिएबल के ऊपर अगर पावर होती है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे लगा देते हैं, सेम टू सेम वेरिएबल रहता है और उसके ऊपर पावर कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब जो वेरिएबल है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो 1/x इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक, खत्म। ये वी चला जाएगा उस तरफ, तो ये डी वी अपॉन डी एक्स टू वी लॉग एक्स अपॉन एक्स। वी की वैल्यू रख देते हैं, वी की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर लॉग एक्स, और नीचे यहां पे एक्स चल रहा है और ये लॉग एक्स है, मिला के लिख दिया है सबको, ये हमारी डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है। इन दोनों की वैल्यू को उठा के हम यहां रख देंगे, ठीक है। तो हमारा यहां पे करेंगे 2x log x, ये जो x की पावर 1 है ऊपर जाएगा तो log x की पावर -1 हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, पावर पावर जुड़ जाएगी, इसका log x और उसकी -1 दोनों जुड़ गई,
यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे।